एक और चीज़ जो आई थिंक तुम शायद रिलेट कर सकोगी इससे, ऑल्दो आई मीन बहुत ही डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं इस बात पे हंस रही थी जब ये हमने शो भी शूट करना शुरू किया था कि भाई ये सारी लड़कियां इतनी पतली क्यों हैं। आई मीन एक हद होती है ना, आई मीन बच्चे भी हो गए, बड़ी मैं तो बस कर दो, सड़ जाती हूँ। हाँ वो तो मैं भी सड़ती हूँ, तो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन तुम्हें मुझे पता है बहुत फ्लैक भी दिया गया है इस बात के बारे में कि तुम बहुत आई मीन हालांकि तुम हसीन हो और तुम बहुत लंबी हो और आई मीन आई थिंक यू हैव अ ग्रेट। हाँ यू वेलकम। हाँ वही तो तुम्हें ग्रीफ दी गई है इस बात के बारे में, वेट के बारे में कभी कुछ कहा है क्योंकि तुम उस कन्वेंशनल ढांचे में नहीं फिट आ रही जो लोग यहाँ एक्सपेक्ट करते हैं। जितने लोगों ने जब मैं खासतौर पर जब मैं टीवी पे आई थिएटर पे अपेरेंटली लोगों ने कहा तो थिएटर पे चल जाते हैं, थिएटर पे चलता स्टेज बिल्कुल। टीवी पे जब आई जितने लोगों ने कहा कि नहीं उतने ही लोगों ने कहा हाँ, दे एक्सेप्टेड इट इनिशियली। क्या कहते हैं, आई बिलीव इन दिस, आई मीन यस फिजिकल अपीयरेंस इज इम्पॉर्टेंट, नो डाउट इन दैट, बट इट्स नॉट मोर इम्पॉर्टेंट देन योर टैलेंट। अगर आप में स्किल है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से रुक जाएं। तो मैंने कहा कि अच्छा ओके, तो अ लॉट ऑफ पीपल हु एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, मतलब अल्लाह का शुक्र है कि जितने लोगों ने रिटेलिएट किया इस बात पे कि नहीं मोटी है मोटी है, उतने लोगों ने एक्सेप्ट भी किया कि नो दिस इज समथिंग अ लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट टू। बिल्कुल। एंड आई एम मुझे और लोग मुझे कहते हैं कि तुम कभी मोटी हो जाती हो कभी पतली हो जाती हो, मैं लाइक आई वांट टू, जो मैं होंगी जो मेरा पतला होने का दिल होगा मैं पतली होंगी, मोटे होने का दिल होंगी। अब तो मैंने ढिटाई में मैं हो के रहूंगी, अब तो दिखा के रहूंगी तुम लोगों को। नो बट इट्स जस्ट यू नो इट्स अ पॉइंट और क्या होगी तुम थोड़ा मैं और हूं। अच्छा ओके हां ठीक है, ये मुझे नहीं समझ आती तुम लोगों के। इट्स समथिंग जो मैं एक चीज प्रूव करना चाहती हूं लोगों को कि इट्स, अगर मुझे आप लोग इफ एक्सेप्टिंग मी एट अ सर्टेन वेट, it's not necessary for me to be thin stick कि मुझे हीरोइन बनना है। नहीं, उसके बनने के लिए ना मुझे अपने स्किल पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मुझे फिजिकल अपीयरेंस yes it's important but it's not the sole priority कि बस यही होना चाहिए। अच्छा।